हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको नॉन ट्रांजिशनल और ट्रांजिशनल कपलर में क्या अंतर होता है वो बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो नॉन ट्रांजिशनल और ट्रांजिशनल कपलर के पार्ट्स बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। ट्रांजिशनल सीबीसी और ये हो गया नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी, ठीक है। नंबर एक जो हम सबसे पहले तो इसमें ट्रांजिशनल सीबीसी में हो जाएगी कपलर बॉडी, विथ सैंक प्लेट, कपलर बॉडी सैंक प्लेट ये नंबर एक हो गया। नंबर दो की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नकल, यहां पर भी हमारी नकल हो जाएगी। नंबर तीन अगर बात करेंगे तो नकल पिन हो जाएगी। नंबर चार की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा रोटेटरी लॉक लिफ्ट लीवर, ये इसमें भी हमारा हो जाएगा रोटेटरी लॉक लिफ्ट लीवर। नंबर पांच की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैप, ये इसमें भी हो जाएगा हमारा कैप। नंबर छह जो है हमारा वो हो जाएगा क्लैविस, ट्रांजिशनल कपलर में क्लैविस होता है जबकि नॉन ट्रांजिशनल कपलर में क्लैविस नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ एक अगला जो है वो हो जाएगा हमारा क्लैविस पिन, तो क्लैविस और क्लैविस पिन ट्रांजिशनल कपलर में होते हैं जबकि नॉन ट्रांजिशनल कपलर में नहीं होते हैं। आठवां जो हमारा हो जाएगा वो है बेबी स्क्रू कपलिंग, ट्रांजिशनल कपलर में होती है जबकि नॉन ट्रांजिशनल कपलर में नहीं होती है। नाइन्थ हमारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा स्ट्राइकर कास्टिंग, इसमें स्ट्राइकर कास्टिंग होती है बट स्ट्राइकर कास्टिंग दोनों में स्ट्राइकर कास्टिंग होती है बट क्या अंतर है, जो ट्रांजिशनल कपलर है इसमें स्ट्राइकर कास्टिंग जो होती है हमारी बड़ी होती है और बाहर की ओर अधिक निकली होती है, बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर अधिक निकली होती है। ये हमारी स्ट्राइकर कास्टिंग हो गई। टेन पॉइंट जो है हमारा वो हो जाएगा योक प्लस योक पिन कर लेते हैं, सेम यहां पर भी हमारा योक एंड योक पिन हो जाएगा। इलेवन पॉइंट हो जाएगा ड्राफ्ट गियर, सेम यहां पर भी हमारा ड्राफ्ट गियर हो जाएगा। और ट्वेल्थ पॉइंट हो जाएगा ऑपरेटिंग हैंडल, ऑपरेटिंग हैंडल विथ बियरिंग पीस, सेम यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग हैंडल एंड बियरिंग पीस विथ बियरिंग पीस। एक और जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा बफर, साइड बफर। नॉन ट्रांजिशनल कपलर में वो ट्रांजिशनल कपलर में साइड बफर होते हैं जबकि यहां पर साइड बफर नहीं होते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिशनल और नॉन ट्रांजिशनल में मैंने आपको डिफरेंस बताए। आपको कुछ कनेक्शन बता देता हूं कि हम किस किस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो नॉन ट्रांजिशनल कपलर है उसे हम नॉन ट्रांजिशनल कपलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक नॉन ट्रांजिशनल कपलर दूसरे नॉन ट्रांजिशनल कपलर के साथ
जोड़ा जा सकता है, कपलिंग की जा सकती है। नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी जो है वो नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी के साथ कपलिंग की जा सकती है, ये हमारा ठीक है। नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी जो है हमारा, उसको हम ट्रांजिशनल सीबीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा ओके है। ट्रांजिशनल सीबीसी जो है उसका कनेक्शन हम स्क्रू कपलिंग के साथ कर सकते हैं, ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ट्रांजिशनल कपलर, इसको हम दूसरे ट्रांजिशनल कपलर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा। लेकिन कनेक्शन क्या नहीं होगा ये हमें याद रखना है, तो वो है हमारा नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी का स्क्रू कपलिंग के साथ हम ये जो कनेक्शन है ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी को हम स्क्रू कपलिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताए, और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो हमारा नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी है, नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी है वो किसमें लगा होगा और ट्रांजिशनल सीबीसी है वो किसमें। तो ट्रांजिशनल सीबीसी है जो हमारा इंजन में, DWT हो गया, BRN हो गया, बॉबी एन में हमारा ट्रांजिशनल सीबीसी लगा होगा। जबकि इसके अलावा जो भी हमारे वैगन होंगे उनमें नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी लगा होगा।